विधानसभा चोणां नूं देखदे होए लगातार ही पंजाब दे विच जोड़ तोड़ दी राजनीति जोरां शोरां दे नाल चल रही है, जिथे पार्टियां दे वलों अपने नाराज होए नेतावां नूं मनाउण दी कोशिश कीती जा रही है। उथे ही कुछ नेता सत्ताधारी पार्टियां नूं छड्ड के दूसरियां पार्टियां दे विच शामिल हुंदे वी नजर आ रहे ने। पिछले दिनी कांग्रेसी नेता गुरजीत सिंह संधू भी कांग्रेस नूं छड्ड के अकाली दल दे विच शामिल होए ने, जिस तों बाद गुरजीत सिंह संधू ने इल्जाम लगाउंदे होए कहा कि 4 सालां दे विच कांग्रेसी विधायक इंद्रबीर सिंह बुलारिया ने हल्के दी बात तक नहीं पुछी। इंद्र सिंह बुलारिया अपनी जिंदा बात करवाना चाहते सन, पर वह कांग्रेस दे विच रह के लोकां दी सेवा करना चाहते सन। इस दे नाल ही गुरजीत सिंह संधू ने इल्जाम लगाउंदे होए होर की कुछ कहा, आओ सुनदे हां। अमृतसर वासियों नूं मैं सारयां नूं तहि दिलों सति श्री अकाल बुलाउंदा, ते अज तुहाडे रूबरू सारे मीडिया दे होया मैं आप जी दा वी तहि दिलों धन्नवाद करदा वां, जिन्हां ने अज वड्डी गिणती जाण के मैनू अमृतसर वासियों दे रूबरू कराउण लई जिहड़ा अज मौका दिता। मैं दसना चाहुंदा वां कि मैं कांग्रेस पार्टी तो पब्लिक कोआर्डीनेशन सैल दा अमृतसर दा मैं चेयरमैन सी, ते मैं पार्टी नूं उत्ते लिजाण लई बहुत कम कीता, पर ओह इंसान जिन्हें तरक्की देनी सी, जिन्हें मैनू माण सत्कार देना सी, उस इंसान ने पूरे 5 साल एक बंदे नूं नज़रअंदाज किया, क्योंकि वह ये कहिंदा सी भी मैं बुलारिया जिंदाबाद कहो, जे तुसी कांग्रेस जिंदाबाद कहोगे तो मैं उस बंदे नूं इलाके चो उठन नहीं दूंगा, क्योंकि जे अहीं पार्टी नाल काम करते हाँ, जे पार्टी दीआं नीतियां घर घर पहुँचाउंदे हाँ, तो हलका विधायक का भी जिहड़ा फर्ज बनता है भी उस बंदे नूं माण इज्जत सरकार दिता जाए। तो मैं अज सारे अमृतसर वासियों नूं यह कहना चाहुंदा भी हलका दखणी दी जिहड़ी सीट आ साडे भरा वड्डे तलबीर सिंह गिल, जिन्हां दे बारे मैनूं दसण दी लोड़ नहीं, घर घर हर बंदे नूं पता है भी इन्हां दा की किरदार आ, क्योंकि जिहड़ा बंदा अपने वर्कर की जिहड़ी आ इज्जत नहीं करता वह इंसान नूं कदी भी MLA नहीं बनाउणा चाहीदा। 15 साल तो बड़े लोग जिहड़े जुड़े आ मेरे ख्याल नाल मेरे आउण दे नाल बड़िआं दे जिहड़े माणे आ वह डोल चुके आ, क्योंकि हर बंदा सोचता है भी गुरजीत नूं पता नहीं किन्नी इज्जत देती ही, ते गुरजीत जिहड़ा वा वह अज पार्टी छड्ड के जिहड़ा तलबीर सिंह गिल भाई दे नाल क्यों चले गया। मैं वह भी जवाब देना चाहुंदा सारे मेरे भरावां नूं। वैसे मैं लाइव हो के अपने फेसबुक पर भी गल करनी सी, पर मैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अपने भरावां दा जवाब देवां जिहड़े मैनूं कहिंदे आ भी इहनूं क्यों छड्डिया गया। मेरे वीरो, इस बंदे दे दिमाग च सिर्फ ते सिर्फ एक पैसा है, बंदे दी कदर ना उहदे दिल च आ ते ना उहदे दिमाग च आ। ते मैं इंद्रबीर सिंह बुलारिए नूं इक कहना चाहुंदा है, जे वाकई गुरु घर नूं तूं मन्नदा है ते अपनी अंदर आत्मा नूं याद करके कहीं भी तू किसी भी एक बंदे नूं दिलों ते मनों इज्जत दित्ती, जे तू दित्ती हुंदी ते अज पूरा इलाका एक बन्ने रुझान ना करता, ते जिहड़ा तू 15 साल तो जितदा आ रहा है, क्योंकि ये मेरा भरा जिहड़ा तलबीर सिंह गिल आ ये जमीन तो उठ के अज लीडर बनया है, पर वह बंदे नूं अपने फादर साहब की कुर्सी मिल गई जिहड़ी अज उहदे दफ्तर च डठी आ, ये उत्थों महल च उठिया ते कुर्सी ते बह गया। इहनू आम वर्कर दी जां पार्टी दे किसी नुमाइंदे दी कोई कदर नहीं, जे ये गल सच आ। जे मेरे वीर जिहड़े तुरे आ नाल, मैं उहनां नूं भी बेनती करना चाहुंदा है, मैं ते 5 साल वेख लिया, जे तुसीं होर अपनी काबिलियत ते अपनी रुतबे नूं 5 साल नज़रअंदाज करना चाहुंदे हो ते होर अगले 5 साल इन्ना तुरे रहो, पर ऐरकी जे तुसीं कहो भी ये MLA बन जूगा, इहदा भुलेखा लोकां ने ते बाबा दीप सिंह ने ऐरकी एरी जिहड़ी धौण च किला है ना वो कढ़ना ही कढ़ना है। मैं वीरो ये फिर कहना चाहुंदा है, ते मैं कांग्रेस पार्टी नूं भी कहना चाहुंदा है भी जिहड़ी ये दक्खणी हलके की सीट आ, मेरे ख्याल नाल यह 20 दिनों के विच यह सारा हलका जिवें पहला अकाली सी ते हुण भी अकाली हो जाना है। बस इन्नियां क बेनतियां अज करनियां सी, पर मैं फिर कहना चाहुंदा है मेरे वीरां नूं जिहड़े मेरे वीर अज उहदे नाल चढ़े फिरते आ ते कहणगे भी इज्जत मान देनी आ, अज मेरे आउण दे नाल वो सारिआं नूं गड्डी 'च चढ़ाई फिरदा है, वो 5 साल तुसीं कित्थे सी वीरो, कोई नाल नहीं सी,
ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ 'ਚ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਜਣਿਆ ਆਊਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਜੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਖਾ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਚੈਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਚੈਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਐਸ ਕੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।